रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इसको लेके बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान है। और एग्जाम जितना पास आता जाता है उतना रिवीजन करने का ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपका लोड बढ़ता रहता है। अब कितना बार रिवीजन करें, 2 से 3 बार आपका थियोरी एंड 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, रिवीजन इज सफिशियंट विथ इफेक्टिव रिवीजन। अब आप बोलोगे कैसे, पहले आपका जो थ्योरी है उसको पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन लगाए। जिस क्वेश्चन लगाने में, जिस थ्योरी में प्रॉब्लम होगा उसमें उसी वक्त रिवाइज कर ले, जिससे हम कभी ना भूले। अब ये तो हो गया रिवीजन। अब क्वेश्चन का क्या करें ना, क्वेश्चन में जहां पे आप डिफिकल्टीज फेस करो उसमें टिक करना होता है कि इसको हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते रहेंगे आपको धीरे धीरे सारा चीज दिमाग में आ जाएगा। लेकिन एक बात बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि अगर इसको आपने कमांड दिया कि इसको मैं दोबारा रिवीजन करूंगा, तो ह्यूमन ब्रेन उसको तुरंत डस्टबिन में डाल देगा कि इसको तो हमें याद ही नहीं रखना है। तो ब्रेन को हमेशा कमांड जाना चाहिए कि दिस इज द लास्ट रिवीजन, इसको मुझे जिंदगी भर याद रखना है। आप भूलते क्यों हो, आप उस चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो इसलिए भूल जाते हो। जैसे किसी ने आपको गाली दिया आप भूल जाते हो क्या, किसी ने थप्पड़ मारा भूल जाते हो क्या, क्यों नहीं भूलते हो ना, उस चीज को आप उतना प्रायोरिटी देते हो। तो इसके लिए आप जब पढ़ाई करते हो ब्रेन को एक कमांड सेंड करना है कि मुझे इसको जिंदगी में भूलना नहीं है, तब जाके ब्रेन रिटेन करने का कोशिश करेगा। उसके बाद भी रिटेन नहीं कर सकता, हो भी सकता है थोड़ा मिस हो जाए, लेकिन कोशिश तो ब्रेन करेगा कि इसको रिटेन किया जाए। उसके बाद आपका रिवीजन का नंबर बहुत कम जरूरत पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे लगा हुआ है कि मुझे अभी सब्जेक्ट खत्म करा दो फिर रिवीजन करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा। वो जिंदगी में रिवीजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेनली बात हो रहा है कि उसका हमेशा लगता है मुझे और रिवीजन करना है, और रिवीजन करना है। ब्रेन को कमांड ही नहीं जा रहा है और ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि हमें इसको रिटेन भी करना है। नेक्स्ट चीज दैट इज मंडल जुगाड़, क्विक रिवीजन। आप इनइफेक्टिव टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, जैसे आपका कॉलेज चल रहा था और उसमें एक क्लास शेड्यूल था कैंसिल हो गया, उस टाइम आप ऐसे वेस्ट कर देते हो, तब लगता है क्विक रिवीजन। आप उस टाइम में कोई भी क्लास नोट उठाए एंड उसका हेडिंग एंड फॉर्मूला पढ़ पढ़ के चले जाए, 1 घंटे के अंदर पूरा एक सब्जेक्ट आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्रेन में एक सीक्वेंस बनता है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट को पढ़ो और क्लास नोट को 3 महीना के लिए पूरा बंद करके रख दो, कभी मत खोलना। आप 3 महीना बाद जब कॉपी खोलोगे तब लगता है कि मैंने ही लिखा हूं क्या, इतना भी भूल जाते हो। लेकिन अगर आपने क्विक रिवीजन करोगे बीच बीच में, तो एक चीज कभी नहीं होगा, आपको ब्रेन में हमेशा सीक्वेंस बना रहेगा। एंड उसके बाद आप जब क्विक रिवीजन कर उसके बाद जब प्रॉपर रिवीजन करोगे तब आपको अच्छा से आ जाएगा। इसलिए जो मेथड है उसको फॉलो करें। एंड एंड लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका साइकिल को फॉलो करें। एंड ज्यादा रिवीजन करूंगा ये दिमाग से उतारे, हमें कम से कम रिवीजन में चीज को रिटेन करना है। ब्रेन को एक कमांड दे आप कभी नहीं भूलोगे।